Okay, assalamu alaikum everyone. I think I am audible to the group again. So, well, let people start merging so that I can talk. I think this is it. All right, three people have started watching. Let me know if I'm audible. Junaid, let me know if I'm audible or not. Let me know in the comment so that I should start. Walaikum salam. Okay, 13 have started watching. Let me type. Zer Saleen. Okay, I have to ask Zer Saleen. Okay. I think, yeah, I am audible. All right, I will start the session then. Okay, just say ke, this is the video part two. Last time, maine aise kafi cheeze define pehle se kar di thi ke, how's the life here and everything. So this time, there's a problem with the window. Okay. This time, I would say, okay. This time I would only answer questions like this. Maine last time bhi kafi questions ke answer kiye the. Is dafa bhi logon ne kafi inbox kiya ke this and that aur wagera wagera kuch naye sawal hai kuch purane wahi sawal hai to main bhi jitna mujhe pata hai I will try to answer it as much as I know and everything is there. First of all, I want to clarify that sab kuch waise Google pe maujood hai pehle se hi. तो आपको जाके सिर्फ गूगल सर्च करना है और वैसे काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ से ऑथेंटिकली भी मिल जाएगी. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे एक्सपीरियंसेस हैं या फिर प्रोसीजर्स हैं या फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें, तो ये आपको फिर खुद सर्च करना पड़ेगा या फिर कुछ लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा. तो अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं फिर से, लाइक आई हैव अ लिस्ट ऑफ 15 क्वेश्चन. तो मैं पहले उनको रीड करके आपको उनके आंसर्स बता देता हूँ कि व्हाट आई नो, तो उस हिसाब से. और दूसरी बात ये कि अभी क्या कहते हैं इसको, ऑनलाइन आने से पहले मैंने काफ़ी चीज़ें देखी कि शुरू में कि आपको यहाँ पे क्या आने की मुश्किलात हैं या फिर लोगों के क्या कन्फ्यूजन्स हैं. तो उस हिसाब से मैंने एक पूरी लिस्ट भी प्रिपेयर की, एक पूरी पोस्ट भी बनाई है इसके लिए. तो वो मैं सारी एक ही दफ़ा पोस्ट करूँगा आफ्टर दिस वीडियो सेशन, ताकि आप उसमें एक दफ़ा रिव्यू करें और फिर देख लें कि आपको किस तरह सी चीज़ें कन्वीनियंट हैं. ओके, अपना इंट्रोडक्शन मैं फिर से दे देता हूँ, ताकि क्योंकि मुझसे लोग काफ़ी अभी भी पूछते रहते हैं कि आप जर्मनी में ही हैं और कोर्स क्या है वगैरह वगैरह. तो हाँ, मेरा कोर्स जो है वो मैथमेटिकल मॉडलिंग है, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स. इट्स बेसिकली मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, मीन्स इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ द कोर्सेज. सो एंड दूसरी बात ये कि सिटी जो मेरा है वो है कोब्लेंस और इट्स नियर टू फ्रैंकफर्ट, बट इट्स नॉट अ बिग सिटी. सो डोंट लाइक like the thing is just the course content is very like I like the course content, that's why I just joined this university. Okay, coming to the first question, pehla question mujhse kisi ne pucha the ke can we support our family while working. To pehla iska main answer de deta hu ke dekho, kar sakte ho support, lekin itni zyada high hope leke Germany nahi aao ke mujhe family bhi support karni hai, khud ko bhi dekhna hai, language bhi seekhni hai, khana bhi banana hai और यूनिवर्सिटी भी जाना है, कोर्सेज भी देखने हैं. सब कुछ इतना इजीली मैनेजेबल नहीं है फॉर एन एवरेज ह्यूमन बीइंग, अगर मैं बात करूँ तो इस तरह की एक्सपेक्टेशंस लेके जर्मनी, इतनी हाई होप्स लेकर ना हो, लेकिन यू कैन सस्टेन योर स्टे, दैट आई कैन गारंटी कि आप अपने अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपकी यहाँ पे जितने भी खर्चे आपके होंगे वो आप कवर अप कर सकते हो. लेकिन ये नहीं है कि आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करो और ख़ुद को भी यहाँ पर सस्टेन करो और बाकी चीज़ें भी मैनेज करो. तो ये थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है जर्मनी से रखने की, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, बट आई कैन बी रॉन्ग. सो यू कैन डू इट, इट्स पॉसिबल, लाइक नॉट इम्पॉसिबल, बट आई वुड सजेस्ट कि इतनी ज़्यादा हाई ऑप्शन रख के जर्मनी ना आए तो बेहतर है. दूसरी क्वेश्चन पूछा था अच्छा, लैंग्वेज इशू एंड इट्स इम्पॉर्टेंस. तो लैंग्वेज इशू वैसे दैट्स फॉर रियल के है कि यहाँ के लोग आपकी इंटीग्रेशन नहीं होगी अगर आपकी लैंग्वेज स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है. तो क्योंकि ये लोग प्रेफर करते हैं जर्मन बोलना, क्योंकि
अगर मुझसे पूछे तो ये इंग्लिश बोलने से कतराते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी अगर मैं अब पाकिस्तान की बात करूँ तो इंग्लिश सारे लोग भी बोल सकते हैं। जो एक स्पेसिफिक स्पेसिफाइड क्लास है या स्पेसिफाइड एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं और समझते भी उतना ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही है जर्मनी में भी, क्योंकि ये लोग जर्मन बोलते हैं और इंग्लिश कुछ मतलब जो 40s या उससे ऊपर वाले एज है वो तो बिल्कुल नहीं बोलते इंग्लिश। तो और बाकी जो यंगर जनरेशन है जैसे हमारी तरह वो बोल लेते हैं, वो भी कतराते हैं बोलने से, क्योंकि इंग्लिश इनकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं। मैं तो नहीं कहूँगा कि जर्मन की ज़्यादा इतनी अच्छी इंग्लिश होती है। तो ये जर्मन प्रेफर करते हैं और इसी वजह से इनको थोड़ी बहुत, मैं कहूँगा कि थोड़ी बहुत इनको एंगजाइटी होती है कि अगर कोई इंग्लिश में बात करे और सब इनसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बात करेगा तो फिर ये जर्मन में शुरू हो जाएंगे, इंग्लिश में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा मुझसे लोगों ने पूछा था डॉयचलैंड स्टिपेंडियम स्कॉलरशिप। अच्छा, इसका मैंने देखा था वैसे इंटरनेट पे, और वैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये मतलब उनकी लिस्ट है प्रॉपर की ये ऑफर करती हैं। तो इनका ये होता है कि डॉयचलैंड स्टाइपेंडियम स्कॉलरशिप का ये होता है कि आपको 150 शायद आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या होती हैं वो आपको फंड करती हैं और 150 यूरोज आपको यूनिवर्सिटी देती है। तो ऑलमोस्ट तकरीबन 300 यूरोज का ये स्टाइपेंड है और ये आपको फिर 6 मंथ्स या साल के लिए मिलता है, डिपेंड्स ऑन योर यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए आपको पहले से अप्लाई करना पड़ता है जब आप व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर एप्लीकेशन। तो वो आपने उस टाइम देखना होता है उसका प्रोसीजर क्या है और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आपको हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में मिल जाएंगे। लेकिन मैं एक यूनिवर्सिटी की एज एन एग्जाम्पल आपको पोस्ट में, जो मेरी नेक्स्ट पोस्ट होगी इसके बाद, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। एक स्टूडेंट भी है मेरा, कोलीग है शारिक, उसको मिल भी चुकी है, तो उससे भी आप कंसल्ट वैसे कर सकते हैं कि उसकी पोस्ट के नीचे आप क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं तो आपको बता सकता है। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि हलाल फूड। ओके, हलाल फूड, अब ये डिफरेंट सिटीज का डिफरेंट है यहाँ पे लाइफ स्टाइल, तो डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट अवेलेबिलिटीज है। अब हलाल फूड की अगर मुझसे बात करें, कोबलेंस में जिस तरह जहाँ मैं रहता हूँ तो वहाँ पे आपको अवेलेबल है तुर्किश शॉप्स है, तो वहाँ पे आपको हर किस्म का मीट, जैसे बकरे का मीट है या चिकन है या डिफरेंट टाइप ऑफ चिकन के मीट्स है, वो सब अवेलेबल है। और मसाले, यहाँ पे पाकिस्तानी शॉप है एक, तो मसाले और सारी चीज़ें जो आपको वहाँ अवेलेबल हैं जैसी यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ऑब्वियसली यूरो में प्राइस है तो फिर थोड़ी ऊपर होती है, लेकिन चीज़ें अवेलेबल हैं। और जिस तरह आप स्पाइसेस और सारी चीज़ें यूज़ करके घर में बनाते थे वहाँ पाकिस्तान में, वह सब यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी आपको कॉस्टली पड़ेगी क्योंकि जाहिर सी बात है एक जर्मनी एक फिर यूरोप में कन्वर्जन हो जाती है, रेट ऊपर चला जाता है चीज़ों का, तो उस हिसाब से। लेकिन ऐसे टेंशन नहीं लेनी के खाना खाने में होगा मसला कि या फिर हलाल मिलेगा ही नहीं। तो हलाल शॉप्स भी हैं, डोनर शॉप्स हैं, दूसरी तरह की शॉप्स हैं, तो वो भी अवेलेबल है। खाने का ऐसा ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मसला सिर्फ एक ही है कि खाना खुद प्रिपेयर करना है, जो हम पाकिस्तानी बॉयज अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में नहीं करते। तो खाना खुद ही प्रिपेयर करना है और खुद बनाना है, खुद खाना है, तो ये एक हर्डल है, लेकिन अवेलेबल चीज़ें यहाँ पे सारी हैं। और दूसरी चीज़ मैं खुद आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा एज अ ब्रदर या एज अ आप दोस्त समझेंगे, कभी भी खाना पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करें डाइट पे, क्योंकि जर्मनी बहुत ज्यादा कोल्ड है और एक्सट्रीम वेदर होता है यहाँ पे। अभी भी स्टार्ट हो गई है थोड़ी बहुत, इधर सुबह से रेन हो रही है तो यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, तो उससे सस्टेन करने के लिए ड्राई फ्रूट्स और मीट भी अपनी डाइट में ऐड करें, गर्म चीज़ें थोड़ी और ऐड करें ताकि आप यहाँ का वेदर सस्टेन कर सकें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सर्दी होती है, पाकिस्तान जैसा मौसम यहाँ पे नहीं होता बिल्कुल भी सर्दियों में। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये पांचवा पॉइंट जो मुझे काफी लोगों को देखा कि स्पून फीडिंग की जरूरत पड़ जाती है, तो यार स्पून फीडिंग में ना पड़ो, क्योंकि अगर आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते और खुद से चीजें सर्च आउट नहीं कर सकते तो जर्मनी आने का कोई पॉइंट नहीं है। क्योंकि जर्मनी आने के बाद, क्योंकि वीजा लेना इज नॉट अ बिग इशू अभी, क्योंकि वीजा लेना हर किसी को मिल जा रहा है, वीजा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वीजा के बाद जो डिफिकल्टीज हैं या उसके बाद जो पॉइंट्स हैं आपके, कहने का मकसद है उसके बाद जो आपको चीजें फेस करनी पड़ती हैं वो चैलेंजेस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू वीजा से पहले। तो वीजा से पहले वाले तो मैं इतना ज्यादा नहीं कंसिडर करता कि बड़े चैलेंजेस हैं। एडमिशन लेना एक है बात, लेकिन वीजा लेना फिर ये कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं। उसके बाद जब यहाँ पे आके लैंग्वेजेस, रहना, खाना पीना सब चीजें देखना, दैट्स अनदर थिंग। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना और उस चीजों को देखना, इसलिए मैं ये कहूंगा कि स्पून फीडिंग पे ना इतना ज्यादा रहे कि आपको हर चीज बताई जाए, कम एंड एक्सप्लोर और खुद चीजें देखो पहले, फिर आपको ज्यादा पता चलेगा बाय और ओन। ज्यादातर एक्सपीरियंसेस पे मत जाएंगे, यहाँ पे ये होता है पार्ट टाइम है या नहीं है, तो इस पे ज्यादा फोकस करें। अच्छा, स्कोप का बहुत से लोग पूछते हैं यार, इसका स्कोप है उसका स्कोप है। तो कल मैं एक वीडियो देख रहा था लाइव सेशन की, हमारे हैं स्टडी एंड लाइफ के मेंबर हसन भट्टी, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि स्कोप बंदे का होता है, स्कोप फील्ड का नहीं होता। तो स्कोप आपने खुद बनाना पड़ता है, इम्पोर्टेंट अपनी स्किल्स डेवलप करनी होती हैं। तो
स्कोप वाइज मैं ये कहूँगा सबसे बेस्ट तो यही है कि आप जर्मनी पहले आएं और यहाँ की देखें लैंग्वेजेस और कल्चर देखें, आप इंटीग्रेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्योंकि हर किसी के लिए, मैं पहले भी बताया था कि इंटीग्रेट होना जर्मनी में इट्स नॉट इजी, हर किसी के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि हर हर बंदा इतनी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करके और यहाँ पे फिर अपने आप को उस तरह ग्रूम करके और लैंग्वेज सीख के सब कुछ करना, लाइक इट्स नॉट फॉर एवरी इजी फॉर एवरी वन। तो अगर आप वर्थ इट समझते हैं तो फिर करें, वरना फिर वही बात है कि स्कोप देखकर और सैलरी देखकर कभी भी डिसीजन ना लें, अपना इंटरेस्ट देखें, अपना फोकस देखें और उसके बाद उस हिसाब से स्किल सेट डेवलप करें। और स्कोप ये ना सोचें कि आपको जॉब मिलेगी ना नहीं मिलेगी, अगर आप खुद ही कंफ्यूज होंगे शुरू में स्टार्ट, इफ यू आर नॉट कन्विंस योर सेल्फ हाउ यू विल बी एबल टू कन्विंस योर एम्प्लॉयर कि आप एक कंपनी में जाएंगे बड़ी सी, यहाँ पे जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, यहाँ पे ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, लुफ्थांसा टेक्निक है, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में आप जाके एम्प्लॉयर से जब इंटरव्यू करें, वो आपसे इंटरव्यू करेगा तो आप खुद ही कन्विंस नहीं होंगे कि मेरी स्किल्स सफिशियंट है फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब और फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, हाउ यू विल बी एबल टू कन्विंस द एम्प्लॉयर दैट यू हैव द पोटेंशियल फॉर दिस जॉब। तो पॉइंट इज के सबसे पहले खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएं और अपना इंटरेस्ट एक डेवलप करें, ये नहीं है कि आप ये पूछते रह जाएं कि फील्ड में है, मतलब फील्ड का कोई स्कोप है या वगैरह वगैरह। तो फील्ड का स्कोप हर जगह है, हर यूरोप की किसी कंट्री में भी चले हैं, जर्मनी में इसलिए मैं कहूँगा ज्यादा है क्योंकि यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट 3.5% है, जो कि यूरोप में सबसे लोएस्ट है अब तक का, क्योंकि दूसरे कंट्रीज के जैसे फ्रांस है या या दूसरे कंट्रीज है, इटली है, तो उनका ज्यादा है, जर्मनी का बहुत कम है, तो इसलिए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं जर्मनी आना, इवन यूरोपियन कंट्रीज से भी लोग यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये कि स्किल सेट आपने खुद डेवलप करना है और लैंग्वेज स्किल्स खुद डेवलप करनी है, तो वर्थ आपने खुद बनानी है अपनी, डिग्री एज अ सोर्स होता है लेकिन आपने ग्रूम खुद करना है अपने आप को। अच्छा, CGPA जैसे मैंने लास्ट टाइम, तो खैर बहुत लंबी बात कर दी थी, अभी फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। CGPA यार लो है तो उसको फिर कंपनसेट करने के बहुत से तरीके हैं, वो मैंने बताया था लास्ट टाइम कि किस किस तरह, अब भी मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह आप उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं CGPA में। दूसरी बात यह है कि हर साल, जिनके मैंने भी ऑब्जर्व किया है ट्रेंड, हर साल CGPA क्राइटेरिया सेम ही रहता, क्योंकि हर साल पॉलिसीज चेंज होती हैं, हर साल इनका जो कोटा होता है एडमिशन का, हर यूनिवर्सिटी का चेंज होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे अभी तक यही नजर आ रहा है, सेम नहीं रहता, उनका क्राइटेरिया भी ऊपर जाता है कभी, क्राइटेरिया नीचे आ जाता है। जैसे लास्ट टाइम मेरा एक दोस्त था, उसकी 2.6 GPA थी और उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, उसका मेरे कोर्स में हो गया था मैथमेटिकल मॉडलिंग में इजिली। इस दफा उन्होंने काफी एप्लीकेशन रिजेक्ट किए, इवन एक लड़का मुझे, उसने कल मैसेज किया, उसका 3.04 था, उसका भी नहीं हुआ मैथमेटिकल मॉडलिंग, जिसमें मैं भी पढ़ रहा हूँ कोर्स। तो द पॉइंट इज हर साल कैटेगरी चेंज होता है, आप किसी से ये पूछ नहीं सकते यार ये मेरी प्रोफाइल है और इस पे आप मुझे क्या बताओगे कि मेरा एडमिशन हो जाएगा कि नहीं होगा। तो हर साल क्राइटेरिया चेंज होता है, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, वो सब मैटर करते हैं। द पॉइंट इज द ओनली वे टू नो दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, यू विल गेट एडमिशन और वीजा इज बाय अप्लाइंग ओनली, क्योंकि आपने वो बातें रिस्क लेकर करना है अप्लाई। अगर आप जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि इफ यू आर एलिजिबल और नॉट। ठीक है, दूसरी बात है, अच्छा एक काफी क्वेश्चंस मुझे लोगों ने ये भी पूछा है कि पेड जो होती हैं यूनिवर्सिटीज, उसमें एडमिशन लेके हम स्विच कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरा उनसे एक ही सवाल है कि आपने पेड पे जाना ही क्यों है, जब आप डायरेक्टली अपने इंटरेस्ट वाले कोर्स पे जा सकते हैं कि लाइक आई आई लाइक दिस कोर्स एंड फ्री, मोस्टली फ्री टारगेट करेंगे, क्योंकि जर्मनी आने आगे भी अगर तुमने फीस ही देनी है तो बेस्ट है तुम किसी और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में चले जाओ, यहाँ से बेहतर है। तो पॉइंट इज के पेड वाले में अप्लाई ही क्यों करना है, आप अप्लाई उसमें करो जिसमें पेड ना हो, जिसमें फीस ना हो, जिसमें जिसमें फीस ना देनी पड़े, आप उसमें अप्लाई करो और उसमें अपना इंटरेस्ट शो करो। देखो जब तक तुम्हारी कन्विंसिंग एप्लीकेशन नहीं होगी ना, ना तुम्हें वीजा मिलेगा ना तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि जब तुम एडमिशन कमेटी को या वीजा वीजा ऑफिसर्स को कन्विंस नहीं कर सकते तो कोई पॉइंट ही नहीं है अप्लाई करने का। इसलिए सबसे पहले मैं कहूँगा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है कि खुद में तुम्हें एतवाद होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा और यहाँ पे आके मैं सरवाइव भी कर लूंगा। तो द पॉइंट इज के पहले तुम खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ और अपना इंटरेस्ट एक गोल सेट करो। पार्ट टाइम जॉब या सिटी या फिर जितनी चीजें, ये सब सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, सबसे पहले प्राइमरी गोल है तुम्हारी खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि तुम इस जॉब के लिए सूटेबल हो और तुम कर सकते हो। तो पॉइंट, मेरा पॉइंट अभी ये है कि पहले बेसिक गोल सेट करो, उसके बाद बाकी चीजें सब सेकेंडरी हैं, तो वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, काफी लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट्स माय जॉब एट अमेज़न, मैंने पोस्ट भी कर दिया था खैर। तो
यार इस सच कोई बड़ी टेक्निकल या फिर कॉम्पिटेंसी वाली जॉब नहीं है. इट्स जस्ट लाइक स्टोइंग. अमेजोन एक बेसिकली बहुत बड़ा यहाँ पे, आप जब आप आएंगे तो काफी चीजें उनकी देखेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स ज्यादातर जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं डिलीवरी उनकी अमेजोन ही कर रहा है. मतलब जो मैंने यहाँ पे देखे ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड है, तो सबसे मैं कहूँगा टॉप पे अमेजोन ही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मतलब खाने पीने की चीजें से लेकर पहनने तक, शूज तक, सब कुछ अमेजोन से आपको मिल जाता है. तो उनकी सप्लाई चेन बहुत बड़ी है, मतलब ग्रैंड सप्लाई चेन है किस्म की. तो जॉब जो मेरी अमेजोन पे है तो वो है स्टोइंग की. उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे पिक है, पैक है और स्टो है. तो वहाँ पे आपको बस स्कैनर आपको दे देते हैं, एक हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, और आपके पास डिफरेंट आइटम्स होते हैं, आपने उनको स्कैन करके डिफरेंट बिन्स में स्टोर करना होता है. तो दैट्स माई जॉब एट अमेजोन. और इसकी बस ये है कि हफ्ते में 5 दिन होती हैं शिफ्ट, और बाकी इसकी पे जो वेज रेट है उनके मुताबिक, मतलब उन्होंने जो हमें बताया, क्योंकि मुझे अभी तक पे मिली नहीं है, तकरीबन 2000 यूरोज है, ऑलमोस्ट 2000 यूरोज प्लस 10% बोनस अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है. तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन 4 मंथ्स का है, तो आप 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक कर सकते हैं जॉब. लेकिन वो आपका फिर कॉन्ट्रैक्ट स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट के बगैर जो अब तक मेरी इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको टैक्सेस वापस नहीं मिलते अगर आपका स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. बट आई कैन बी रॉन्ग, ये चीज़ मुझे अभी खुद कन्फर्म करनी है. ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि एक्सपायरी ऑफ आइल्स एंड गेटिंग कंडीशनल लेटर. यार एक तो मैं चीज़ क्लियर करूंगा कि जर्मनी में अगर आप आ रहे हैं तो आइल्स दे दें, इतना ना सोचें कि आइल्स ज़ाया हो जाएगा या पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि आप वैसे भी पैसे आपके इतने सारे लग रहे हैं, तो 27,000 आइल्स के भी दे दें. मैं तो यही से रिकमेंड करूंगा सबको कि रिस्क ना लें. रिसेंटली मेरा एक कॉलीग है, उसका सब कुछ क्लियर हो गया था, उसका यूनिवर्सिटी ऑफ कील में शायद एडमिशन भी हो गया था, और सब कुछ उसका पूरा प्रोसीजर क्लियर था, उसका आइल्स नहीं था, आखिर में वीज़ा रिजेक्ट हो गया उसका. और मुझे जो रीज़न लगा वो उसका यही था कि उसके पास आइट्स नहीं था. तो कहने का मकसद ये है कि कंडीशनल लेटर के आसरे में ना रहे हैं, या फिर जो आपका प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, सो कॉल्ड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जर्मनी, क्योंकि आप जब यहाँ पे आएंगे कंट्री तो आप खुद सोचेंगे यार इट्स वर्थ इट कि इसके लिए आइट्स भी दे सकते हैं, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है. मतलब आइट्स समझ लीजिए आपकी 3 दिन की वेज है, मतलब उनकी मैं बात करूंगा. तो आइट्स दे दें, आपकी एक सर्टिफिकेशन हो जाएगी और आपकी सीवी थोड़ी और स्ट्रांग हो जाएगी, मतलब आपकी प्रोफाइल थोड़ी और स्ट्रांग हो जाएगी. और इतना मुश्किल भी नहीं है, दो एक दो महीने आप आइट्स की प्रिपरेशन करें, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी. उससे ये है कि चलो जर्मन नहीं आती लेकिन इंग्लिश तो अच्छी आती है ना, क्योंकि आप अगर इंग्लिश भी अच्छी नहीं आती किसी को आप कन्वे मतलब मैसेज कन्वे नहीं कर सकते तो लाइफ और डिफिकल्ट हो जाती है यहाँ पे. तो आइट्स दें और जर्मनी के लिए वर्थ इट है. अच्छा, जो फोकस की बात मैं पहले बता चुका हूँ कि बेसिक फोकस जरूरी है, मतलब पार्ट टाइम और दूसरी चीज़ों पर इतना फोकस ना करें, वो एज टेम्प्ररी है, क्योंकि उससे आपको वेज ऑलमोस्ट वही मिल रही है जो फुल टाइम की है. फुल टाइम भी आप कर सकते हैं अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल है तो, लेकिन बेसिक जो मैं यही कहूँगा कि एम जो सेट करें वो आप हायर गोल पे ज़्यादा फोकस करें एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म गोल्स, क्योंकि जर्मनी में अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वही बात है कि आपकी प्रोफाइल भी वैसी होनी चाहिए कि जो आप उनको मीट कर सकें. ठीक है, और एक बात जो मैं अभी बता चुका हूँ पहले से कि वीजा लेना कोई बड़ी बात नहीं है. वीजा गेटिंग वीजा इज नॉट अ सक्सेस, इज जस्ट एन इंसेप्शन ऑफ चैलेंजेस, यानी उसके बाद चैलेंजेस असल में वहां से स्टार्ट होते हैं कि जब आपने वीजा ले लिया, उसके बाद आप जब कंट्री छोड़ के दूसरे में जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको असल चैलेंजेस पता चलेंगे. ओके, एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बहुत आसान होता है कि व्हाट आर द पॉइंट्स टू कंसीडर व्हाइल चूजिंग द यूनिवर्सिटी. तो ये बहुत मल्टी फैक्टोरल सवाल है, और काफ़ी इसमें पॉइंट्स हैं, काफ़ी बारीकियाँ है, देखने वाली हैं. जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि सिटी कौन सा चूज़ किया जाए. तो सिटी मैं सजेस्ट करूँगा पर्सनली कि आप बड़े सिटी फोकस करें ज़्यादातर. ठीक है, कुछ लोगों का इस पे मुझसे डिसएग्रीमेंट इसलिए होगा कि कुछ लोग कहते हैं बड़े सिटी में वीज़ा मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल कन्विंसिंग है और आपका कोर्स में इंटरेस्ट है तो मोस्टली मैं प्रेफर करूंगा बड़े सिटीज में. जब मैं आ रहा था मुझे किसी ने नहीं बताया था बड़े सिटी या छोटे सिटी में क्या फ़र्क होता है, क्या जॉब्स का फ़र्क होता है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, तो हर चीज़ डिफरेंट होती है. लेकिन छोटे सिटी जर्मनी के हैं कि पीसफुल हैं, जैसे कोबलेंस है या इसके करीब जो दूसरे सिटीज़ हैं राइनलैंड फॉल्स के अंदर, कोबलेंस है या फिर ट्रियर है या दूसरे छोटे छोटे सिटीज़ हैं, लंडाओ है वो भी बहुत छोटा है. तो कहने का मकसद ये है कि वो थोड़े पीसफुल है. अगर आपको नेचर नेचर पसंद है और अकोमोडेशन की चार्जेस भी अगर कम रखना चाहते हैं तो फिर छोटे सिटी प्रेफर करें, नहीं तो फिर बड़े सिटीज में ये कि कंपनीज भी ज़्यादा होती है और दूसरी चीज़ें ज़्यादा. तो सिटी पहला फैक्टर है. दूसरा सेमेस्टर टिकट उसका देखें कि
जैसे सबसे बेस्ट टिकट अब तक का मुझे जो पता चला है वो एनआरवे का टिकट है, तो नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया जो उसका फुल फॉर्म है। तो एनआरवे में ये है कि उसका इस यूनिवर्सिटी में, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन है या यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन है या फिर डुसेलडॉर्फ में आपका एडमिशन हो जाता है। तो उन उन यूनिवर्सिटीज का ये फायदा है कि आपका एक में भी एडमिशन हो जाए तो आप पूरे एनआरवे स्टेट यानी इस पूरे रीजन में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं उस एक टिकट पे। तो रिसेंटली मेरे दोस्त का भी हो गया था अभी आखन में। तो ये जितने भी उसमें बड़े बड़े सिटीज सारे आते हैं, आखन है और एसन है। तो कहने का मकसद ये कि एनआरवे आपको अगर आप फोकस करें पहले, सबसे पहले तो एनआरवे से स्टार्ट करें, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा क्योंकि वहाँ पे ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, और लेकिन वहाँ पे एक है कि थोड़ा बहुत अकोमोडेशन आपको महंगी पड़ेगी एज कम्पेयर टू स्मॉलर सिटीज जैसे कोबलेंस है। तो एवरेज यहाँ पे आपका अकोमोडेशन 220 से 260 तक वेरी करता है, इधर तक आपको अकोमोडेशन मिल जानी चाहिए। लेकिन बड़े सिटीज फिर ये 300 से ऊपर चला जाता है, 400, 500, इवन 600, 700 तक भी चला जाता है। डिपेंड करता है कौन सी सिटी है और कौन सी जगह है। लेकिन जिस तरह आपको अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे जॉब की ज्यादा है, तो वहाँ पे फिर अकोमोडेशन उस हिसाब से ही है कि ज्यादा है। छोटे सिटीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, जैसे कोबलेंस है या दूसरे छोटे छोटे सिटीज हैं, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज उस हिसाब से कम ही है। तो अकोमोडेशन का बहुत बड़ा फैक्टर है इस हिसाब से। तीसरी चीज है यूनिवर्सिटी। ऑब्वियसली सिटी चूज करने से पहले यूनिवर्सिटी सबसे पहले फोकस करें, सिटी को सेकंड प्रायोरिटी पर रखें। क्योंकि मैं भी पहले सोचता था सिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं, मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपकी काफी चीजें जो होती है ना, फ्यूचर आपका, मतलब अगला जो आपका 20-30 साल का फ्यूचर है वो सारा यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है आपकी यहाँ की, कि आप कौन सी चूज करके कहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो आपकी फिर जो जॉब मार्केट है वो उतनी लिमिटेड रह जाएगी जहाँ तक आप अप्लाई करोगे, क्योंकि अगर आपकी डिग्री रेलिवेंट नहीं है तो आपको उस हिसाब से जॉब नहीं मिलेगी। जर्मनी में मैंने नहीं देखा, हो सकता होता हो कि कोई फाइनेंस का बंदा हो वो इंजीनियरिंग की जॉब करा या इंजीनियरिंग का बंदा फाइनेंस की जॉब करा। पाकिस्तान में तो होता है, सब होता है, यहाँ पे मैंने नहीं देखा। ठीक है, अच्छा कंपनीज देखें उस डिफरेंट स्टेट में या उस डिफरेंट जो भी रीजन है, तो उसमें देखें कंपनीज कौन कौन सी हैं। अगर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो इंटर्नशिप्स के लिए फायदा होगा आपको, और थीसिस भी आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप फाइनल ईयर FYP अपना करना चाह रहे हैं तो आप कंपनी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रोफाइल कन्विंसिंग है, आपका आइडिया अच्छा है, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करके अपना थीसिस कंटिन्यू करके वो भी कर सकते हैं। तो कंपनीज को फोकस भी करें वाइल चूजिंग द यूनिवर्सिटी। और आखिरी बात जैसे मैंने अभी बताया कि अकोमोडेशन एक्सपेंसिव है बड़े सिटीज में, ऑब्वियसली छोटे सिटीज में ये है कि आपको अकोमोडेशन सस्ती मिल जाएगी लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज उसी हिसाब से हैं। अच्छा लास्टली आखिरी क्वेश्चन जो मुझे मिला था वो था कि हाउ इज जर्मनी फॉर गर्ल्स। तो पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं जैसे यहाँ पे हैं, काफ़ी हैं, मैंने देखी हैं, तो रहती हैं, ऐसी कोई एज सच मसला नहीं है यहाँ पे कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम है या फिर उनका कोई घूमने का मसला है, तो ऐसा कोई नहीं है। जहाँ जैसे पाकिस्तान में फ्रीली हैं, मतलब यहाँ पे तो खैर इनका खुद का कल्चर तो खैर एडवांस है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ये इंडिपेंडेंट और लिबरलिज्म बहुत ज्यादा करते हैं। मैंने देखे हैं जर्मन रिलीजन में भी करते हैं, लेकिन जिनसे मेरी इंटरेक्शन हुई वो ज्यादा इतने रिलीजियस नहीं है। तो ऐसा मसला नहीं है, गर्ल्स कैन कम, और इतना कोई यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि उनके कोई लिविंग में मसला है या ठीक है या कोई ऐसी बात है। वो अपनी स्टडी करें, आके घूमे फिरें, एंजॉय करें, कोई मसला नहीं। तो मेरे हिसाब से तो गर्ल्स के लिए सेफ है, एज सच कोई बड़ा मसला नहीं है। वेस्ट जर्मनी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे तो मैंने कोई एज सच इनकाउंटर नहीं किया, इंसिडेंट या ऐसी कोई बात, तो इट्स सेफ फॉर गर्ल्स। ओके एंड लास्टली आई वुड से डोंट थिंक टू मच वाइल कमिंग हेयर, मेक योर डिसीजन, मूव हेयर एंड एक्सपीरियंस योर सेल्फ। दैट्स द ओनली वे टू नो दैट जर्मनी वर्थ इट है कि नहीं। ओके नाउ आई विल टेक योर क्वेश्चंस, दैट्स माय सेशन, थैंक यू। ओके ओके आई विल स्टार्ट विथ ओके in marketing industries and my point is के job conditions for electrical engineers, शाजिल बिन अशरफ ने पूछा है। यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का वैसे मैं पोस्ट कर दूंगा, अभी तो मेरे पास खैर टाइम कम है तो मैं प्लान करूंगा उसके लिए। तो हैं ऑब्वियसली हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम पोस्ट की थी मैकेनिकल की जॉब्स, वहां पे इलेक्ट्रिकल की जॉब्स भी आपको मिल जाएंगी। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप गूगल करें, कंपनीज देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की, उसमें देखें जॉब पोस्टिंग्स कैसी हैं, और आप इवन उनको ईमेल भी कर सकते हैं कि स्किल सेट मेरा ये है और मुझे फ्यूचर में क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है टू सिक्योर दिस जॉब, तो आपको मिल जाएंगी। लेकिन इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है या जितनी भी ये हार्ड कोर इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं,
जर्मनी में इनका स्कोप है ऑब्वियसली, लेकिन इसका ये है कि इसमें फिर आपको जर्मन लैंग्वेज स्किल्स जरूरी है। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम पाकिस्तान आई वुड से 10K यूरोस, तकरीबन 10,000 यूरो आपके पास होंगे, तो जर्मनी कंसिडर करें। और 10,000 यूरो ऐसा ये ना हो कि आपने रिटर्न करने हो, 10,000 यूरो आपके फर्स्ट ईयर में पूरे लग जाएंगे। मतलब मेरा एक अपना एक्सपेंस मतलब वो है एक्सपेक्टेंसी है कि आपके 10,000 यूरो लग जाएंगे, अगर आप सही से मतलब पार्टी करके रहेंगे यहाँ पे तो 10,000 यूरो और आराम से लग जाएंगे, तो वो आपके पास होने चाहिए। बाकी फिर आप जाहिर सी बात है जॉब करेंगे तो फिर आप सिक्योर करते रह सकते हैं। ठीक है, हाउ इज द लाइफ इन जर्मनी ब्रो? लाइफ यार बिजी है और थोड़ी बहुत अकेली भी है, लोन लाइफ है, क्योंकि जाहिर सी बात आपके घर वाले नहीं होते, आपके क्लोज फ्रेंड्स जो आपने पाकिस्तान में जहाँ आपने 20-25 साल गुजारे इतने वो नहीं होते, लेकिन यू हैव टू लिव विद दैट, क्योंकि कुछ अचीव करना है, कुछ बनना है, और कुछ एक्सपोजर लेना है आपने दुनिया का, तो फिर ये चीजें तो देखनी पड़ेंगी। लेकिन अच्छी है लाइफ, मतलब मैं इतना नहीं कहूंगा कि ज्यादा बुरी, इमोशनली मैं कहूंगा ज्यादा इतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन फिजिकली या घूमने के हिसाब से या फिर दूसरी एक्सटर्नली बहुत अच्छी है। ठीक है, हाउ कैन वी वर्क मोर देन 20 आवर्स इन ए वीक एज यू आर वर्किंग? डू वी नीड एनी परमिशन फॉर दैट एंड हाउ इट इफेक्ट वेन वी गो फॉर वीजा एक्सटेंशन? इट वॉन्ट इफेक्ट योर वीजा एक्सटेंशन अंटिल अनलेस यू क्लियर योर कोर्सेज। लाइक इफ यू आर डूइंग फाइन विथ योर डिग्री, यू हैव कम्प्लीटेड मैंडेटरी कोर्सेज, और एटलीस्ट यू हैव डन हाफ ऑफ द डिग्री एंड यू हैव डन एडिशनली लैंग्वेज, देन इट वॉन्ट अफेक्ट योर वीजा एक्सटेंशन। बट एज फार एज 20 आवर्स रूल इज कंसर्न, दैट्स नॉट नेसेसरी कि आप 20 घंटे ही करो। आप मैंने यहाँ पे लड़के देखे हैं, इवन वो जुलाई से स्टार्ट हो गया था अमेजोन में काम करना, तो जुलाई से दिसंबर तक का कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास, ये इट्स इट मेक्स 5 मंथ्स, तो ये बहुत ज्यादा आवर्स है। लेकिन उसके लिए मसला है इसलिए नहीं है क्योंकि वो फिर इंश्योरेंस चेंज करेगा अपनी, वो स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं जाएगा, वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे जाएगा। उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा अरबाइटम कहते हैं, मतलब जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस तरह दूसरे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं हुआ। इसका डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है कि मैंने जो सुना तक कि उसमें टैक्सेस आपके रिटर्न नहीं होते, क्योंकि आपका जो इनकम होती है उसका 10% टैक्स पे चला जाता है, 10-15% डिपेंड करता है आपकी जॉब कैसी है, तो इसमें रिटर्न नहीं होता। जो स्टूडेंट जॉब होती है 3 मंथ्स की, जिसकी ड्यूरेशन बनती है अमेजोन में, अगर मैं बात करूँ जिसका 20 आवर्स पर वीक कहते हैं, तो वो उसमें आपको टैक्स रिटर्न हो जाते हैं, इसमें नहीं होता। ये इसका डिसएडवांटेज है। कितने पैसे मंथली बचा कमा लेता है और कितने बचा लेता है? यार ये फिर वही क्वेश्चन है, ये डिपेंड करता है सिटी कौन सा है, जॉब कैसी कर रहे हो, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये इजीली आंसरेबल क्वेश्चन नहीं है, तो इस पे मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। लेकिन सेविंग मुश्किल है मेरे हिसाब से, डिपेंड करता है कि आप दूसरी चीजें करते हैं नहीं करते, जिस तरह ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं नहीं लेते हैं, या फिर लैंग्वेज स्कूल पे पैसे स्पेंड करते हैं नहीं करते हैं, यूरोप घूमने पे करते हैं स्पेंड नहीं करते, क्योंकि सिर्फ आगे जर्मनी में ही रहा और जर्मनी ही देखा तो फिर क्या फायदा यूरोप आने का, इतने सारे कंट्रीज का आपके पास वीजा है, घूमो फिरो। लेकिन स्पेंड वही डिपेंड करता है हर किसी की प्रायोरिटी, कि बचा लेता है नहीं बचा लेता। लेकिन मैं ऐसे तक अगर सिर्फ जॉब करो और फिर उसके बाद सीधा जाके आप स्टडी करो, तो मेरे हिसाब से पैसे बचाना तो मुश्किल है मेरे हिसाब से, लेकिन बचा भी सकते हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। ठीक है, कंप्यूटर की जॉब मार्केट, यार कंप्यूटर की मैंने तो खैर जिस दिन, जब मैं पहले दिन जर्मनी आया था उसके बाद मैंने 3-4 दिन जब यहाँ पे एक्सप्लोर किया, लोगों से पूछा, और उसके बाद जब मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स खोली, इवन मैंने जॉब की वेबसाइट्स खोली, सब जगह कंप्यूटर की जॉब्स तो है, तो जॉब मार्केट तो बहुत अच्छी है, लेकिन स्किल्स आपके पास राइट स्किल्स विथ राइट टाइम आप अप्लाई करें तो आपको मिल सकती है। ठीक है, व्हाट्स द स्कोप ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज देयर? स्कोप का मैं पहले बता चुका हूँ कि स्कोप बंदे का होता है, लेकिन है यहाँ पे, लेकिन बात यह है कि बिजनेस और मैनेजमेंट में पढ़ाते तो यहाँ पे इंग्लिश में ही है, लेकिन जिस तरह मैं कंपनी में जाता हूँ यहाँ पे अमेजोन है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आपकी बगैर लैंग्वेज की नहीं हो सकती, क्योंकि वो मीटिंग्स भी उनकी जर्मन में होती है, वो बात भी जर्मन में करते हैं, वो आपको इंस्ट्रक्शन भी जर्मन में देंगे, तो जो उनके सारे मैनेजर्स हैं उनको जर्मन और इंग्लिश उर्दू हिंदी भी आती है, इवन मैंने एक बंदे से मिला था उसको 7-6-7 लैंग्वेजेस आती है। तो द पॉइंट इज मल्टीलिंगुअल होना बहुत फायदेमंद है, लेकिन साथ में अगर आपकी डिग्री है तो फिर वो वही बात है कि वो फिर आपको और ऊपर ले जाती है। अच्छा, उर्दू रेडियो डॉचलैंड की जाने से खुश आमदीद, थैंक यू। एनी इन्फो अबाउट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज? जुहेब खान, यू कैन सर्च ऑन गूगल अबाउट दैट। मुझे ऐसा हर चीज का, हर यूनिवर्सिटी का नहीं पता होता, लेकिन इंजीनियरिंग का मुझसे पूछ ले तो मुझे काफ़ी, मतलब मैंने देखा है यूनिवर्सिटीज, मेरे दोस्त भी खुद के हैं तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ, लेकिन एग्रीकल्चर है या फिर सोशल साइंसेज है उनका मुझे इतना सच आइडिया नहीं है, क्योंकि
मैं भी यहाँ पे जिस तरह 5-6 months हुए तो मैं भी बिल्कुल नया हूँ, लेकिन ये है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का भी स्कोप ऑब्वियसली होगा, लेकिन वो तो मैं सर्च करना पड़ेगा उसके हिसाब से। बेस्ट फॉर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी, आई थिंक यू आर आस्किंग। यार यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में ऐसा जितनी मैटर नहीं करती, मैं कहूँगा पर्सनली जो आपको एडमिशन दे दे वो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, लेकिन सिटी देख लो, दूसरी इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए दूसरी चीजें देख लो तो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, लेकिन बेस्ट कुछ नहीं होता। जर्मनी में मैं बात करूंगा, लेकिन बेस्ट जैसे अगर आप ओवरऑल देखो, क्योंकि आपने अगर रिसर्च करनी है, आगे जाके पीएचडी करनी है, तो फिर आप यूनिवर्सिटी रैंकिंग जरूर कंसिडर करो। जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सार्लैंड है, सार्लैंड एक टॉप यूनिवर्सिटी है कंप्यूटर साइंस के हिसाब से, और इसमें शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे भी सिस्टम्स इंजीनियरिंग दूसरे कोर्सेज भी हैं मेरे हिसाब से, तो वो आप देख लें, वो अच्छी यूनिवर्सिटी है। वेब साइंस करनी है तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोब्लेंस का भी कोर्स बहुत अच्छा है, तो वो आप देख सकते हैं। और भी इस तरह की यूनिवर्सिटी हैं, फुल्डा है, कैमलिट्स है, तो उनकी भी देख सकते हैं, लेकिन बेस्ट वही बात है कि स्किल सेट आपके साथ डेवलप करते हैं तो उस हिसाब से। और जॉब मार्केट कंप्यूटर साइंस की जो मैंने अभी तक की बेस्ट देखी है वो सैप की है, कि सैप में आप अप्लाई करें उसके लिए, जॉब मार्केट के लिए ट्राई करें। पीआर इजी मिल जाती है उधर। यार पीआर का सवाल अभी ना करो, तुम पहले आओ जर्मनी देखो और फिर एक्सप्लोर करो। मैं कहता हूँ आज की जो जनरेशन है ना, उसको हर चीज बस यूं जल्दी चाहिए, इतना जल्दी पीआर पे और पासपोर्ट पे इतना ज्यादा नजर ना रखें, पहले आप आए यहाँ पे देखें और उस काबिल अपने आप को ले जाएं और फिर आप क्वेश्चंस करें। लेकिन पीआर मिल जाती है यार, इतने कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर तुम्हें लैंग्वेज आती है और तुम ब्लू कार्ड होल्डर हो तो तुम्हें 2 साल, 2 से 3 साल में मिल सकती है। ठीक है, सेकेंड ईयर का एक्सपीरियंस एक्सपेंस भी चाहिए होगा, फर्स्ट ईयर के एक्सपेंस से कम हो जाएगा ना? नहीं, सेकेंड ईयर का यार वीजा अगर तुम्हारा लेट्स सपोज 2 साल का है तो तुम्हें सेकेंड ईयर का शो नहीं करना होता, फर्स्ट ईयर तुम शो करोगे और उसके बाद फिर तुम अर्न करो, और तुम फिर जब सेकेंड टाइम वीजा एक्सटेंशन के लिए जाओगे तुम्हें स्टेटमेंट दिखानी होगी, मेरे अकाउंट में इतने हैं एंड आई कैन सस्टेन माई स्टे, तो वो तुम दिखा सकते हो। तो तुम्हें पहले साल ही सेकेंड ईयर का नहीं दिखाना होता। व्हाट अबाउट जॉब आफ्टर एमएस? यार जॉब के लिए मैंने बहुत बात की है और शुरू से वीडियो देख लेना, उसमें है क्वेश्चंस। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क वीजा, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क वीजा यू हैव टू अप्लाई अगेन एट द ऑस्लो अंडर बिहोर्डे। आपका वीजा स्टेटस चेंज हो जाएगा, तो आप स्टूडेंट वीजा से जो वर्क वीजा है वो ले लेंगे, उसकी ड्यूरेशन 18 months होती है, जो अभी तक मुझे पता है कि उसमें 18 months आप कर सकते हैं स्टे यहाँ पे, और आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं उस ड्यूरेशन में। तो इट्स अ बिग टाइम कि आप उसमें लैंग्वेज अगर नहीं आती सही से तो लैंग्वेज की क्लासेस लेके लैंग्वेज सीख लें और साथ में दूसरी स्किल्स भी देखें और जॉब के लिए अप्लाई करते रहें। तो वंस यू कंप्लीट योर डिग्री यू कैन, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर जॉब सर्च वीजा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर, आई वांट टू गो टू जर्मनी फॉर हायर एजुकेशन, हाउ टू प्लान इट? वैसे तो मैंने इसमें पोस्ट भी की हुई है और काफी यहाँ की लाइफ के बारे में बताया हुआ है कि जितने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। तो राना मुदस्सर खान, आई विल मेक अनदर पोस्ट आफ्टर दिस वीडियो सेशन, वो समझ लें कि उसमें मैं सारी चीज़ें समराइज कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें मेरी पोस्टें हैं और सब किस तरह लिंक कर सकते हैं उस पे, उसको आप सेव कर लेना और उसको फिर आप रिव्यू कर लेना, क्योंकि मैं आपको सारा एक्सपीरियंस नहीं दे सकता, क्योंकि सब एक्सपीरियंसेस को वर्ड्स में डिफाइन करना या बातों में बता देना ये बहुत इम्पॉसिबल काम है मेरे हिसाब से, जब तक तो आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। आई कैन गिव यू अ स्टार्टिंग पॉइंट, द रेस्ट यू हैव टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। होटल मैनेजमेंट में कुछ बताओ। यार सोशल साइंसेज और होटल मैनेजमेंट और ये चीज़ें, इस चीज़ों का मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, तो मैं कमेंट करूंगा तो फिर वही बात है कि मैं अपनी तरफ से नहीं लगाना चाहता, लेकिन मुझे इतना नहीं पता उस चीज़ों का। तो इंजीनियरिंग का पूछे हैं, कंप्यूटर साइंस का पता है मुझे, क्योंकि मेरे दोस्त भी है, मुझे तो चीज़ कोई चीज़ समझ नहीं आती, मैं अपने दोस्तों से पूछ लेता हूँ कि यार ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ क्या है, तो इट मेक्स थिंग्स ईजियर। लेकिन द थिंग लाइक होटल मैनेजमेंट में मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना मैं किसी को जानता हूँ, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बेस्ट मास्टर प्रोग्राम आफ्टर कंप्यूटर साइंस एंड ग्रेजुएशन, मास्टर्स प्रोग्राम? यार डेटा एनालिटिक्स मैं कहूँगा बेस्ट है, डेटा एनालिटिक्स कर लो। मशीन लर्निंग बहुत एडवांस चीज़ है, एक फ्यूचरिस्टिक है, तो मशीन लर्निंग में करें, डेटा एनालिटिक्स में करें, बिग डेटा में, या डेटा साइंस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट करें तो बेस्ट, ये कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। इवन साइबर सिक्योरिटी वो भी आप अगर कंसिडर करें तो वो भी अच्छा है फ्यूचर फ्यूचरिस्टिक के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो रोबोटिक और ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं, तो डेटा
इनको बहुत ज्यादा डेटा हैंडल करना होता है, मतलब ट्रिलियंस और क्या बोलते टेराबाइट्स के हिसाब से, तो वो है। और दूसरा सॉफ्टवेयर डिजाइन करना या इस तरह की चीजें करना, तो डेटा का बहुत ज्यादा हर जगह पे, इवन कंप्यूटर साइंस का मैं कहूंगा कि मोस्टली मोस्टली फील्ड्स में डेटा का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो डेटा से रिलेटेड कोई भी मास्टर्स आप कर रहे हैं अगर कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन है, तो दैट्स बेनिफिशियल। व्हाट्स द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन एमएस मैकेनिकल वन, व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स? यार फुली फंडेड की डार्ट की होती है स्कॉलरशिप, और वो वही फुली फंडेड है क्योंकि मेरे नजर में तो वही आई है कि वो फुली फंडेड है, कि आपको 800 पे नहीं 850 यूरो देते हैं वो पर मंथ, और वो आपको अचीव करने के लिए बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट है 2 साल आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर आपको ग्रुप में मिल जाएगा, फाइल सेक्शन में देख लें, आप पोस्ट या ग्रुप के अंदर ही पोस्ट कर लें, टाइप कर लें सर्च बार में डार्ट स्कॉलरशिप, लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड पे सर्च बार होगा उसमें कर सकते हैं। 13 years ऑफ एजुकेशन इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई टू जर्मन यूनिवर्सिटीज आफ्टर इंटरमीडिएट। यार जर्मनी के लिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप अगर आप बैचलर्स करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश में ना करें, क्योंकि अगर आपने अगर लॉन्ग टर्म यहाँ पे रहना है तो थोड़ा आप पेशेंस रखें और थोड़ा सेक्रीफाइस करें। आप 1 साल 1.5 साल B2 कर लें पाकिस्तान में आफ्टर FSC, फिर आपने मैकेनिकल में आना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल में आना है, मेडिकल में आना है, मैथमेटिक्स में आना है, कंप्यूटर साइंस में आना है, वॉट एवर यू लाइक। यहाँ पे जर्मन में बहुत बड़ा पूल है ग्रेजुएशन के लिए, बैचलर्स के लिए बहुत 70-60% कोर्सेज सारे जर्मन में। और दूसरा आप लैंग्वेज के साथ साथ यहाँ पे कल्चर भी इंजॉय करेंगे, यहाँ की लाइफ भी इंजॉय करेंगे, दोस्त बनाएंगे, बहुत से इंटीग्रेट हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन द पॉइंट इज यू फर्स्ट लर्न लैंग्वेज एंड गेट एडमिशन इन स्टूडियन कॉलेज इंस्टीड ऑफ ज्वाइनिंग इन इंग्लिश लर्न जर्मन। हार्ड है, मुश्किल है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जर्मन आपने बचपन से उर्दू बोली और इंग्लिश बोली है, और मतलब काफी उन्होंने तो अगर मैं जो जिस तरह मेरी मैं जिस कॉलेज स्कूल से हैं वहाँ पे तो इंग्लिश भी नहीं चलती थी, वहाँ पे तो उर्दू बोलते थे 12 तक। तो द पॉइंट इज जर्मन सीखें फिर आए यहाँ पे, तो फिर आप सही से एंजॉय करेंगे यहाँ पे लाइफ को। सिर्फ पढ़ना नहीं है यहाँ पे आके के किताबी उल्लू बन जाना है, किताबी वो नहीं बनना। द पॉइंट इज यहाँ पे आप लाइफ भी एंजॉय करें और फिर साथ में स्टडी भी करें और फिर जॉब भी करें, जर्मनी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करें। तो वो आप सिर्फ लैंग्वेज सीखने के बाद ही कर सकते हैं यहाँ पे, इसके बगैर मैं नहीं सजेस्ट करूंगा किसी को कि बैचलर्स इंग्लिश में आगे करें। एस अगर आप कर सकते हैं जर्मन में तो इट्स वर्थ इट, तो जर्मन में ही करें लैंग्वेज में। समवन इज लैंडाउ फ्रैंकफर्ट से कितना दूर है? या यू कैन गूगल इट, गूगल पे लिख लें आप लैंडाउ टू फ्रैंकफर्ट डिस्टेंस तो आ जाएगा, तो इट्स नॉट अ बिग डील। लैंग्वेज जर्मनी आकर हाउ इजीली वन कैन लर्न? यार एक मैं परसेप्शन क्लियर कर दूं वैसे लैंग्वेज का, काफी आसली क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं इस चीज को। जो लैंग्वेज है ये मत समझिएगा कि लैंग्वेज आप जर्मनी आके सीख लेंगे, ये तो एक मतलब लोगों का परसेप्शन होता है कि आप मूव इन करके सीख जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे लैंग्वेज बोलना, लैंग्वेज सुनना, लैंग्वेज पढ़ना, लैंग्वेज लिखना, और खुद से आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे उसमें, आप नहीं सीख सकते। जर्मनी हो, इवन बड़े सिटी हो, छोटे सिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जर्मनी आने का मकसद ये नहीं कि आप लैंग्वेज सीख जाओगे, जर्मनी आना एक स्टार्टिंग पॉइंट है आपके लिए, और लैंग्वेज आपने खुद सीखनी है। मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूँ जर्मनी जो 2-3-4-5 साल से यहाँ पे, उनको नहीं आती जर्मन, वो सिर्फ अपने आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे, उनको बेसिक चीजों के नाम पता है सिर्फ, वो नहीं बोल सकते जर्मन। और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको 3-4 महीने में वो सारी सीख चुके हैं, बेसिकली वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे, कहने का मकसद है वो बहुत फ्लुएंट है। इवन पाकिस्तान में लोग मैं कहूंगा कुछ जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं जो सीख रहे हैं वो ज्यादा फ्लुएंट होंगे जर्मन में, एज कम्पेयर टू यहाँ पे 2-3 साल से रह रहे हैं। तो कल्चरल इंटीग्रेशन एंड लैंग्वेज इंटीग्रेशन आर डिफरेंट थिंग्स, के कल्चर में आ जाने से आप इंटीग्रेट नहीं हो जाते हैं, आप लैंग्वेज सीखोगे नहीं जब तक उसके लिए सेक्रीफाइसेस नहीं करोगे, उसके लिए टाइम नहीं निकालोगे, उसके लिए मेहनत नहीं करोगे, तो लैंग्वेज नहीं सीख सकते। ये एक साइकोलॉजी है कि लोग समझते हैं कि कल्चर में मूव इन करने से तुम सीख जाओगे, तो आपको पॉइंट स्टार्टिंग मिल जाता है, आपको गाइडलाइन भी मिल जाती है। तो द थिंग इज लैंग्वेज सीखना, वो फिर आपको खुद डेडिकेशन देनी पड़ती है उसके लिए। और आप पाकिस्तान से इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा सीखना क्योंकि वहाँ पे सस्ता है, यहाँ पे लैंग्वेज की फीस बहुत ज्यादा है। जो ISL है कोब्लेंस में उसकी 350-400 यूरो फीस है, इट्स टू मच, और पाकिस्तान एक लेवल की।
और पाकिस्तान में आप मेरे हिसाब से कंपेरेटिवली सस्ते में इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि आपकी अकोमोडेशन कॉस्ट नहीं होगी वहाँ पे, क्योंकि घर का घर में रह रहे होंगे, घर घर से वही बातें खा रहे होंगे, वहीं से कम्यूट कर रहे होंगे चीज़ों को, तो वो आपके लिए ईजी होगा और वहाँ पे आप पीसफुली सीख भी सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज सब कुछ होगी, इतना हसल नहीं होगा लाइफ में। यहाँ पे हसल बहुत है, सारी चीज़ें, खाना खुद मैनेज करना है, वर्क करना है, अकोमोडेशन के लिए पैसे देने, सब कुछ करना है। तो जर्मन सीखना मेरे हिसाब से पाकिस्तान में ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे आके सीखना। तो ये मत बस सेशन लेकर आइएगा कि यहाँ जर्मनी के कल्चर में आके यहाँ के लड़के लड़कियाँ दोस्त जितने भी बना के आप सीख लेंगे, दैट्स योर परसेप्शन, क्योंकि ये लोग इंटरेक्ट तो करते हैं लेकिन सिखाने के लिए कोई रेडी नहीं होगा आपको। ये आपसे बात तभी करेंगे आपको फ्लुएंट जर्मन आती होगी, तो ये अपना ये भी अपना फायदा देखते हैं। तो बेसिकली मैं यही कहूंगा कि इतनी बड़ी बात करने का मकसद ये है कि जर्मन पाकिस्तान से सीखें और फिर यहाँ पे आके आप इंटीग्रेट करें कल्चर में। ऐसा ये नहीं है कि यहाँ पे आके आप मूव इन कर जाएंगे और लैंग्वेज आपको आ जाएगी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरी भी ये परसेप्शन थिंकिंग थी, बट नाउ आई रियलाइज दैट इट्स नॉट ट्रू। यू हैव टू कम हेयर प्रिपेयर्ड, पहले से प्रिपेयर होके आए और लैंग्वेज सीख कर आए तो बेटर है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क के लिए यूनिवर्सिटी, यार गूगल पे देख लें, अगर नहीं मिलती तो फिर मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, नहीं तो मैं पोस्ट करूंगा उसके नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे रिमाइंड हो जाए। वैसे वाइमार यूनिवर्सिटी में मेरा एक दोस्त गया है, उसके उसका शायद साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट था, उसको कुछ मिल गया था वहाँ पे इलेक्टिव, तो बेटर है कि आप उसको देख लें, यूनिवर्सिटी ऑफ वाइमार। अच्छा, बेस्ट बैचलर विथ 2.0 CGPA एलिजिबल फॉर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। नहीं, मसन ने पूछा है यार सीजीपी का, मैं भी पूरा इस पे एक और दफा फिर से बता चुका हूँ, पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन सीजीपी का ये कि फिर वही बात है, हर साल चेंज होती है और यूनिवर्सिटी का कोटा भी सेम नहीं रहता, तो इट्स बेटर कि आप चीजें देखें। और सीजीपीए का ये है कि इतने ज्यादा क्वेश्चन सीजीपीए ना करें, अप्लाई करके देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। दूसरा मैंने मेथड ये बताया था कि आप यूनिवर्सिटी को ट्रांसक्रिप्ट भी भेज सकते हैं। डज द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी चार्ज ट्यूशन फीस? हाँ, तो ट्यूशन फीस चार्ज करती हैं, ऑब्वियसली करती हैं, और आपको फिर उस हिसाब से देखना होता है कि आपने प्राइवेट में जाना है कि पब्लिक में जाना है। और आफ्टर जॉब, आफ्टर ग्रेजुएशन, नो वन आस्क यू, यू आर फ्रॉम अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यू आर फ्रॉम अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, आपने फीस दी है, आपने फीस नहीं दी है, ऑल द केयर द इंडस्ट्री केयर्स अबाउट योर स्किल्स, वो आपके पास है तो डिग्री कहाँ से भी की हो, इट डजेंट मैटर, जर्मनी की डिग्री है तो बस वैलिड है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जर्मनी अगर जर्मनी आ ही रहे हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को छोड़ें, पब्लिक में अप्लाई करें और पैसे बचाएं। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटीज का कुछ आइडिया है? गूगल पे मिल जाएंगी और मैंने देखी भी थी लास्ट टाइम, सप्लाई चेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज हैं जर्मनी में। गाइड मी फॉर PhD एडमिशन इन जर्मनी। यार PhD का अभी मुझे कोई भी दोस्त, मतलब ना मेरा कोई एक्वेंटेंस है ना कोई दोस्त है जो भी यहाँ पे PhD कर रहा हो, अगर कोई ग्रुप में है तो प्लीज इनबॉक्स मी, मैं उनसे पूछ लूंगा प्रोसीजर और मैं फिर राइट अप कर दूंगा उसके लिए। होंगे ऑब्वियसली लोग, लेकिन मुझसे मुझसे किसी का रब्ता नहीं हुआ। ठीक है, MBA इन HR, यस यू कैन डू, बट MBA के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि मैं तो इतना ज्यादा प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, लेकिन जो यहाँ पे एक है ग्रुप के अंदर मेंबर हैं, शायद आपने देखे होते हैं मोर कुरेशी, तो वो उन्होंने पोस्ट की थी, बहुत हेल्पफुल थी, कि आप MBA के लिए ग्रेजुएट्स वो मतलब प्रोग्राम के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है रेलिवेंट टू MBA एंड मैनेजमेंट। तो इट्स बेटर टू ऑप्ट MDA इफ यू हैव अ फील्ड रेलिवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर योर बैचलर्स इन मैनेजमेंट, और फाइनेंस में मैनेजमेंट में डजेंट मैटर, लेकिन पहले कुछ एक्सपीरियंस लें फिर MBA की तरफ जाएं, ताकि आपको पता चले MBA किस चीज में करना है, लाइक योर ब्रैकेट शुड बी मोर नैरो एंड मोर स्पेसिफाइड। अच्छा, स्टडिंग विदाउट स्कॉलरशिप्स इज मैनेजेबल और नॉट? इस पे मैं पूरी बात कर चुका हूँ कि स्कॉलरशिप के बगैर मैनेजेबल है, लेकिन यही वही बात है कि आपने फिर अर्न भी करना है और फिर आपने पढ़ना भी है और फिर सारी चीजें देखनी है, तो इट्स लाइक नॉट इजी फॉर एवरीवन, लेकिन मैनेजेबल है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल चीज है। व्हाट अबाउट PhD इन फाइनेंस? यार PhD का मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है तो मैं इस पर कॉमेंट नहीं कर सकता। हे देयर ताहिया कुरैशी, हेलो। साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग के लिए यूनिवर्सिटी? यार साइबर सिक्योरिटी नेटवर्किंग, चलो मैं इसके लिए तुम्हें पोस्ट कर दूंगा, पोस्ट के अंदर ही लिख दूंगा कि यूनिवर्सिटीज ये आप देख लो,
लेकिन मेरे जहन में अभी एक ही आ रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाइमार देख लीजिएगा, उसमें शायद आपको मिल जाए कोर्स। उसके आप इलेक्टिव्स देख लीजिएगा कि उसमें आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट ऑफ मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम यूटी लाहौर एंड आई हैव ऑल्सो स्टार्ट द आईएलटीएस प्रिपरेशन। व्हाट एल्स आई नीड टू गेट हायर स्टडीज स्कॉलरशिप इन जर्मनी? ओके, आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, सो आई कैन आई इजिली अफोर्ड द अदर एक्सपेंसेस। स्कॉलरशिप, यार स्कॉलरशिप जर्मनी में नहीं है, क्योंकि मैं तो यही से कहूँगा फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए तो यही है कि वो डायरेक्टली ब्लॉक अकाउंट वाले सीन से जा सकते हैं। स्कॉलरशिप इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि स्टेट आपको पहले ही फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है विदाउट एनी एक्सपेंसेस, तो आपने सिर्फ खुद के एक्सपेंसेस हैंडल करने हैं, जो कि ऑलमोस्ट मतलब 700 to 800 यूरोज हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में रहते हैं, मतलब 500 to 700 यूरोज हैं, डिपेंड करता है कौन सी सिटी में रहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं अफोर्ड, तो फिर आप आए। मतलब जैसे मेरा एक, मैंने एक अमाउंट सा बनाया कि 10,000 यूरोज अगर आपके पास है फॉर फॉर एन ईयर, नॉट नॉट फॉर 1 month, नॉट फॉर 2 month, फॉर एन ईयर अगर आपके पास है, तो वो आप एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है जर्मनी को, जर्मनी के लिए कंसिडर करने का, ऑलमोस्ट 10,000 यूरोज। ठीक है, बैचलर डिग्री, व्हाट इज मिनिमम ए एल नीडेड? व्हाट इज ए एल? आई डोंट नो व्हाट इज ए एल, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन एंड विथ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ए एल, राइट इट विथ इट। LLB एंड LLM, स्टिल आई डोंट नो अबाउट दीज फील्ड बिकॉज ये फिर वही सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट से रिलेटेड, और ये चीजें फिर मुझे इतना ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है ये भी फील्ड हैं जिस तरह पाकिस्तान में पढ़ाई जाती हैं उनका स्कोप होता है, यहाँ पे भी होगा, लेकिन ये जिस तरह की फील्ड्स है ना, जो नॉन टेक्निकल फील्ड्स हैं उन सब में वो प्रेफर करते हैं जर्मन्स को, क्योंकि उन्होंने फिर, क्योंकि दीज फील्ड्स रिलेट नॉट विद द मशीन्स, नॉट विद द इंडस्ट्रीज, दीज फील्ड्स आर रिलेटेड विद द पीपल, क्योंकि आपने फिर लोगों से डील करना है। LLM, LLB, मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पीपल है, तो पीपल से आप जब तक कॉन्टेक्ट, यहाँ के कल्चर का ये है कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो इंटीग्रेट आप हो ही नहीं सकते, तो इन फील्ड्स के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है आपके पास जर्मन लैंग्वेज स्किल्स का होना, तो क्योंकि कंप्यूटर साइंस और आईटी या फिर इवन जो इन इंजीनियरिंग की कुछ फील्ड्स हैं उसमें भी आपको लोगों से इंटरेक्ट इतना नहीं करना होता, अपने अपने जैसे कंप्यूटर साइंस तो कोडिंग है या आपका जो लैपटॉप है उसमें जितने प्रोग्राम्स से आपने खुद से प्रोग्राम करना है, आपने खुद से चीज़ें हैंडल करनी है, तो वो पीपल मैनेजमेंट ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू योर प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट, तो वो ईजी होता है, उसमें लैंग्वेज स्किल्स इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन LLB है, LLM है, होटल मैनेजमेंट है, तो इसमें लैंग्वेज स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। विच कंट्री यू विल प्रेफर, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, और डज वी गो फॉर बैचलर्स और मास्टर्स? दैट्स अ वेरी डिबेटेबल एंड एवरीवन विल गिव हिज ओन ओपिनियन लाइक विच कंट्री टू चूज फॉर द मास्टर्स, लेकिन मैं अगर पर्सनली मुझसे पूछें तो ऑस्ट्रेलिया में अभी तक गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है ऑस्ट्रेलिया इज नॉट लाइक ए वेलफेयर स्टेट लाइक ए जर्मनी इज, लाइक हेल्थ केयर इनका जर्मनी का मैं कहूँगा टॉप क्लास है, और यहाँ पे मैंडेटरी है हर किसी के लिए हेल्थ केयर लेना, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया में मेरा नहीं ख्याल मैंडेटरी होगा हर किसी के लिए इंश्योरेंस लेना या चीज़ करना, क्योंकि जितना मैंने यहाँ पे इस इम्फेसिस देखा है इसका हेल्थ इंश्योरेंस का, वहाँ पे मैंने नहीं देखा, ये बहुत एडवांटेज इस बात है। दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज है आपके पास फ्री एजुकेशन है फ्रॉम द स्टार्ट, यूनिवर्सिटीज भी फ्री हैं और आगे भी आपका काफ़ी चीज़ें फ्री हैं, इवन स्टाइपेंड मिलता है, जो यहाँ जर्मन जर्मनी या यूरोपियन कंट्रीज के होते हैं कुछ कंट्रीज में, जिस तरह मेरा काउच सर्फर्स मेरे पास आया था म्यूनिक से, बवेरिया से, तो वो डेनमार्क में मास्टर्स कर रहा था, तो उसको पैसे मिलते थे मास्टर्स करने के, तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। जो यहाँ के नेशनलिटी होल्डर होते हैं उनके बहुत से बेनिफिट्स हो जाते हैं, मुझे नहीं पता ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के बेनिफिट्स होते नहीं होते, लेकिन यहाँ पे जर्मनी में होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, अगर आप ट्रैवलर हैं, जिस तरह मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो उसके लिए जर्मनी सबसे बेस्ट स्पॉट है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री, क्योंकि इसके अराउंड ही 9 कंट्रीज हैं, यानी इमीडिएटली आप जर्मनी से बाहर निकले तो आपको 9 कंट्रीज आप विजिट कर सकते हैं, और उसमें बथेरी चीजें देखने वाली, मतलब अनलिमिटेड, उसमें मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा स्पॉट्स हैं देखने के लिए और बहुत फेमस स्पॉट्स हैं दुनिया की, तो वो आप देख सकते हैं, और ये एक एडवांटेज इस चीज़ है जर्मनी की, ट्रैवलिंग है, फूड, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, तो ये अगर आप बेसिकली कंसिडर कर रहे हैं चीज़ें तो जर्मनी बेस्ट है। और यहाँ पे इंश्योरेंसेस और दूसरे सोशल बेनिफिट्स के, आप अनएम्प्लॉयड हैं तो उसके लिए भी आपको इंश्योरेंस होती है यहाँ पे, आपको उसके भी पैसे मिल रहे होते हैं गवर्नमेंट से, और
चाइल्ड केयर और दूसरी चीजें, ये चीजें जाती हैं। तो ओवरऑल मैं अगर फैक्टराइज करूँ चीजों को, ऑस्ट्रेलिया का मैंने इतना देखा नहीं है, तो जर्मनी बेस्ट है इनके मेरे हिसाब से, क्योंकि इधर से आप इधर आके आप एक और लैंग्वेज भी सीखेंगे, जर्मन, आपको इंग्लिश तो ऑलरेडी आती है, तो आपको अगर जर्मन भी आती है, इंग्लिश भी आती है, उसके बाद जब आपके पास जर्मनी की डिग्री भी है, तो मेरा नहीं ख्याल आपको दुनिया में किधर भी मूव आउट करने में मसला होगा, आप किधर भी जॉब हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आपके कहने के मुताबिक हमको एटलीस्ट इतनी जर्मन आनी चाहिए कि हम थोड़ा बहुत किसी जर्मन से कन्वर्जेशन कर सकें। अच्छा, ताहिया कुरेशी ने पूछा, तो जर्मन आना एज सच ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल बेसिक्स आती हो, तो अच्छी बात है कि बेसिक्स तो आती आनी चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा कि आप एटलीस्ट B1 तक करके आए पाकिस्तान से, मतलब आपको फ्लुएंट, थोड़ा बहुत आप फ्लुएंट हो और लिसनिंग आपकी अच्छी हो, क्योंकि इसके बगैर फिर आप यहाँ पे पढ़ तो लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन लाइफ आपकी इतनी इंजॉय नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं खुद वहाँ मैं लोगों को देख रहा हूँ जो मेरे सीनियर्स हैं, कुछ है उनको जर्मन नहीं आती किसी को, तो वो उनका ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, सब कुछ है, जॉब भी है कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते वो यहाँ के कल्चर में, यहाँ के लोगों में, इवन इंटरनेशनल्स के साथ भी। तो बेसिक बेसिकली मैं ये कहूँगा कि जर्मन आपके फायदे की है, मतलब एट दी एंड इनका फायदा तो है ही है ऑब्वियसली, मतलब इनके साथ आप इंटरेक्ट करेंगे, आपके आपका बहुत फायदा है कि आप खुद से यहाँ पे फिर लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकेंगे, तो आनी चाहिए बेसिक। इज इट मैनेजेबल टू स्टडी विदाउट देवदास स्कॉलरशिप? आई थिंक ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। What is uni assist and how to apply to universities by uni assist? Uni assist यार एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे इसका तो खैर ग्रुप में काफी लोग बता भी चुके होंगे, आप गूगल पे भी देख सकते हैं। यूनि असिस्ट के थ्रू आप, यानी जिस यूनिवर्सिटीज का खुद का एडमिशन डिपार्टमेंट नहीं होता, यानी वो आपके लिए एडमिशन करवाती हैं, यूनिवर्सिटीज से कॉन्टेक्ट करती हैं, वो खुद से आपको वहाँ पे एडमिशन दिलवाती हैं। तो यूनिवर्सिटी बेसिकली एक थर्ड पार्टी है, इट्स नॉट यूनिवर्सिटीज एडमिशन ऑफिस, इट्स थर्ड पार्टी। तो आप उसके थ्रू अप्लाई करते हैं और एक ही दफ़ा डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, और उसके बाद ये उसका फायदा ये है कि अकाउंट आप एक दफ़ा बना दिए, एक दफ़ा डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, तो आप साल के लिए आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म आपने भेजना होता है हर यूनिवर्सिटी का। तो यूनिवर्सिटीज एक थर्ड पार्टी है। प्रोसीजर मैं एक पोस्ट अभी इसके बाद लिखूंगा, वो उसमें मैं सारी चीज़ें मैंशन कर दूंगा, उसमें यूनिवर्सिटीज का प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। अच्छा, कैन यू नेम सम पब्लिक यूनिवर्सिटीज रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस? मैं दिखा देता हूँ आपको यूनिवर्सिटीज फॉर कंप्यूटर साइंस इन जर्मनी। यार TU बर्लिन है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाइमार है, फुल्डा है, पैडरबॉर्न यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कील है, और यूनिवर्सिटी ऑफ सारलैंड है, तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ के मैंने नाम बताए हैं, ये आप देख लीजिएगा, और इसके अलावा भी है लाइप्सिग यूनिवर्सिटी है, तो ये मैंने गूगल सर्च किया है, मुझे पहले सर्च में ही कोई 7-8 यूनिवर्सिटीज़ मिल गई हैं, तो इस तरह मेरे हिसाब से होनी चाहिए, 15-20 तो होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस की। आप यूनिवर्सिटी सर्च अगर नहीं कर पा रहे, तो यूनिवर्सिटी के लिए फाइल सेक्शन इस ग्रुप का है, उसमें जाएं, उसमें कंप्यूटर साइंस सर्च करें, मतलब आपको सर्च नहीं मिलता तो नीचे आप उसको स्क्रॉल डाउन करें और सी मोर कर करके सब सारी फाइल्स खुल जाएं, उसके बाद कंट्रोल एफ करके आप सर्च कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस लिखेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी लिस्ट मिल जाएगी, एक एक्सेल की फाइल है, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और मैं सारे आंसर तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल। अच्छा, विच कंट्री यू विल प्रेफर गोइंग ऑस्ट्रेलिया जर्मनी? मैं आंसर कर चुका हूँ, मेरे हिसाब से जर्मनी इज अ बेटर चॉइस। ऑस्ट्रेलिया के लिए वही बात है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और इंग्लिश आपको इंग्लिश ही बोलनी है और इंग्लिश ही चाहिए, लैंग्वेज सीखना नहीं चाहते और ज़्यादा हार्डशिप्स नहीं है कि मतलब लैंग्वेज का भी कोई इशू नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो कहने का मकसद ये है कि फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, वही बात है अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे फीस देनी पड़ेगी और फिर सारी चीज़ें जर्मनी में नहीं देनी होती, तो फिर आप जाएं, वरना जर्मनी बेस्ट है। ठीक है, टैक्स क्लास का मुझसे पूछा है, यार टैक्स के बारे में खुद अभी मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे तो मैंने देखा है इतना कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम है कि लोगों को फाइनेंस कंसल्टेंट्स हायर करने पड़ते हैं टू सेव योर टैक्स और टू हाउ टू पे योर टैक्स, हाउ टू मैनेज टैक्सेस, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आपको बंदा हायर करना पड़ता है आपकी टैक्स मैनेज करने के लिए, तो इट्स नॉट ईजी, इट्स 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 अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, खुद मुझे खुद देखनी पड़ रही है अभी। आई वॉन्ट फुली फंडेड स्कॉलरशिप अलॉन्ग विद अकोमोडेशन एंड आई वॉन्ट टू अप्लाई इन BBA, सो इन विच यूनि शुड आई अप्लाई फॉर? अच्छा, ताहिया कुरेशी ने फिर से पूछा,
तो बीबीए के लिए या मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए सबसे बेस्ट है, तो मैं यही कहूंगा कि पहले आप B1 या B2 तक जर्मन करें और फिर आप मैनेजमेंट की कोर्सेज के लिए अप्लाई करें। बैचलर्स जैसे मैंने अभी भी बताया था कि जर्मन में करें तो बेटर है एज कम्पेयर टू इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में मेरे हिसाब से 20-30% ऑलमोस्ट आपको ऑफर होते हैं, ये भी मैं शायद ज्यादा बता रहा हूँ। तो बैचलर्स करने, अगर जर्मनी से ही बैचलर्स करना चाहते हैं तो पहले आप लैंग्वेज सीखें, उसके बाद स्टूडेंट कोलिग में अप्लाई करके उस हिसाब से कोर्सेज चूज करें। तो उसके बाद आपके पास बहुत बड़ी ब्रैकेट होती है बैचलर्स करने की, यूनिवर्सिटीज की बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा, फिर आपको जो बेटर लगे आप चूज करके उसमें करियर अपना परसू कर सकते हैं। डू दे चार्ज, और ये क्वेश्चन ऊपर नहीं जा सकता। ओके, कुछ क्वेश्चन मुझे स्किप करने पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इतने सारे मैं आंसर नहीं कर सकता। जर्मनी के लिए आइल्स बैंड कितने हो? यार इंजीनियरिंग और इससे रिलेटेड फील्ड्स के लिए 6.5 इज इनफ, मेरा भी 6.5 स्कोर था तो इनफ इनफ फॉर जर्मनी। आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन मास्टर्स प्रोग्राम इन मटीरियल साइंस, आई थिंक यू कैन चेक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसमें है मटीरियल साइंस और फंक्शनल मटीरियल्स का शायद कोर्स है। उसके अलावा शायद आपको उसमें भी मिल जाए, यूनिवर्सिटी ऑफ कोब्लेंस में भी शायद फंक्शनल मटीरियल से रिलेटेड कोई कोर्स मिल जाए, फिजिक्स से रिलेटेड, तो शायद आप चेक करें तो उसमें भी मिल जाएगा। तो लेकिन उसमें तो है, कैमिनेट्स में मैंने खुद अप्लाई करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ मेरा मटी उसमें एडवांस फंक्शनल मटीरियल्स में। अच्छा, व्हाट ग्रेड्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए लेवल्स टू स्टडी इन जर्मनी? दैट आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन मुझे इसका इसलिए पता नहीं है क्योंकि अभी तक मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ इस तरह के स्टूडेंट में कि जो स्टूडेंट को ले के लिए आया हो उसकी ये ग्रेड्स हो, क्योंकि अभी तक जितने से मैं मिला हूँ वो यूनिवर्सिटी से ही आए हैं, बाकी जिसका मुझे पता चला तो आई विल शेयर हिज एक्सपीरियंस ऑन द ग्रुप। व्हाट अबाउट ऑड जॉब्स वाइल स्टडिंग जर्मनी? बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भी है, इसमें भी देख लेना। ओके, हैव यू लर्न जर्मन इन पाकिस्तान एंड जर्मनी? या मुझे पाकिस्तान में किसी ने बताया भी नहीं था कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे पता था इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज सीखना लेकिन आई वॉज नॉट दैट मच गाइडेड कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे पाकिस्तान में सीख लेनी चाहिए थी। पाकिस्तान में तो मैंने शायद 3-4 लव्स के अलावा कुछ नहीं सीखा था कि मुझे जर्मन बिल्कुल नहीं आती, अभी भी मुझे इतनी ज्यादा नहीं आती, अभी मैं खुद सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम नॉट दैट मच फ्लुएंट लेकिन मुझे समझ आ जाता है कि वो अगला बंदा कहना क्या चाह रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, के क्योंकि वो काफी कॉमन वर्ड्स जो डेली यूज के लिए होते हैं, लेकिन बोलने में अभी भी मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ और आई एम स्टिल लर्निंग। हाउ अबाउट मास्टर्स इन मेडिसिन? डू आई नीड टू पास जर्मन एग्जाम फॉर एडमिशन एंड वीजा? इफ सो विच लेवल प्लीज गाइड। मास्टर्स इन मेडिसिन, यार मेडिसिन में मास्टर्स का मुझे तो नहीं आइडिया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन जो होती है ना उनकी स्टडीज बहुत लंबी होती है और बहुत बड़ी, जिस तरह पाकिस्तान में भी 5 साल की है तो यहाँ पे भी प्रोलॉन्ग स्टडीज होती है, और उसके लिए मेरे ख्याल से पहले आपको शायद ग्रीक पढ़ाते हैं या किस तरह की लेटर पढ़ाते हैं। मुझे मेरी एक यहाँ पे है पड़ोसी है नेबर है, उसने मुझे बताया था कि 1-2 साल तो आपको शायद वो कोई और ही लैंग्वेज पढ़ाते हैं, मतलब जो इन इन शायद ग्रीक ग्रीक होती है जो आपकी साइंटिफिक टर्म्स होती हैं, मतलब जिस तरह मेडिसिन में बीमारियों के वगैरह जो यूज होती हैं तो वो आपको पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको फिर वो मेडिसिन पढ़ाते हैं। तो मास्टर्स का तो मुझे नहीं पता लेकिन बैचलर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट को लेके थ्रू, मास्टर्स इन मेडिसिन के लिए फिर वही बात, जर्मन बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल एडवांस लेवल की आपको चाहिए होगी तभी आप जाके यहाँ का मास्टर्स उसमें कर सकते हैं। पीआर इन जर्मनी? पीआर पे यार इतना फोकस नहीं करो, पहले तुम कोर्स लो और फिर आओ यहाँ पे फिर देख लेना पीआर भी। स्पोर्ट्स एजुकेशन, नो आइडिया। व्हाट अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स इन आईटी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मास्टर्स? डिपेंड्स ऑन योर सिटी, एंड मेरे दोस्त हैं वो कर भी रहे हैं, कुछ तो पार्ट टाइम के फुल टाइम कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मेरे दोस्त, वो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, आई थिंक आई विल टेक 2 और 3 मोर क्वेश्चंस देन आई विल लीव बिकॉज इट्स जस्ट 1 आवर एंड आई हैव टू गो समवेयर एल्स। ओके, आई विल सी। विश्वास किशन इज ज्वाइन, हाँ हेलो विश्वास, हाउ आर यू? ओके, आई थिंक आई एम डन फॉर द डे, एंड अब क्वेश्चन वही सेम रिपीट हो रहे हैं जो मैं बता चुका हूँ पहले भी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और
मजीद क्वेश्चंस के मैं अभी आंसर्स नहीं दे सकता, तो इनबॉक्स ना करें क्योंकि मेरे भी एग्जाम है 23rd of October और साथ में मेरी जॉब भी है, तो आई वॉन्ट बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन इन द फ्यूचर टिल माई एग्जाम्स आर डन. तो मैं पोस्ट एक कर दूंगा, उसमें मैं सारी चीज़ें जितनी मैंने अभी तक बताई हैं सारी यहाँ पे ग्रुप में जो मैंने डिस्कस की हैं, आई विल मेक अ पोस्ट, उसमें सारी लिंक्स में डाल दूंगा. और द थिंग इज आफ्टर दैट लाइक आफ्टर दिस पोस्ट यू कैन सी द पोस्ट, उसको सेव कर लें और उसमें फिर आप ये करें कि सेव करने के बाद जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा उसको विजिट करके उसमें आप चीज़ें देख सकते हैं. क्योंकि मेरे पास अभी बाद में नेक्स्ट मंथ के लिए टाइम निकालना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं एग्जाम मेरा है और मुझे बिल्कुल जीरो से उसके लिए प्रिपेयर करना है, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी. ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू. और क्वेश्चंस इस वीडियो के नीचे ना पोस्ट कीजिएगा. इफ़ यू वांट टू आस्क रियली आस्क समथिंग इनबॉक्स कर दीजिएगा, अगर मुझे टाइम हुआ तो आई विल आंसर, एल्स यू कैन कॉमेंट ऑन द पोस्ट दैट आई विल बी मेकिंग नेक्स्ट. वीडियो पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो देखने में भी नहीं आते, विजिबिलिटी नहीं आती. ओके, थैंक यू सो मच और आई विश एवरीवन गुड लक. अभी विंटर स्टार्ट हो गया है तो पाकिस्तान से आए तो जैकेट्स वैकेट्स वहाँ से ना लेकर आएँ, यहाँ से आके ले लीजिएगा, शूज वूज सब कुछ यहाँ से ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ वाली चीज़ें यहाँ नहीं चलेंगी, यहाँ पर बहुत तेज़ ठंड पड़ती है. ठीक है, ओके, टेक केयर.